अब देखिए, माननीय प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुन के भेजा है और 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को कोई बंधक बनाता है तो लोकतंत्र के लिए यदि एक काला अध्याय था। और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है। अगर मेरी मर्जी है कि हम किसी दूसरे दल में चले जाएं, चाहे कहीं कोई विचारधारा हमारी है, तो उससे कोई रोक नहीं सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पाबंदी लगा सकते हैं कुछ दिन, 1-2-4 दिन के लिए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तेजस्वी यादव जहां एक ओर जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, जनता का विश्वास जीत रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव का विश्वास तोड़ रहे हैं, जिसके बाद से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है और महागठबंधन बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसका जहां मन भरेगा वहां जाएगा, जो जिसके विचारधारा से प्रभावित होगा उसी के दल में जाकर शामिल हो जाएगा। मर्जी की बात है, अगर मेरी मर्जी होगी किसी दल में शामिल होने की तो हम भी वही करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने कोई भी प्रलोभन देने का काम नहीं किया है, बल्कि वो लोग खुद हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ साथ संतोष सुमन कहते हुए नजर आए कि आरजेडी 1-2 दिन अपने विधायकों को बंधक बना सकती है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, कभी ना कभी तो वो लोग वहां से भागेंगे ही। इसी के साथ साथ पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन, पहले आप वो सुने। अब देखिए, माननीय प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुन के भेजा है और 3 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को कोई बंधक बनाता है तो लोकतंत्र के लिए यदि एक काला अध्याय था। और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है। अगर मेरी मर्जी है कि हम किसी दूसरे दल में चले जाएं, चाहे कहीं कोई विचारधारा हमारी है, तो उससे कोई रोक नहीं सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पाबंदी लगा सकते हैं कुछ दिन, 1-2-4 दिन के लिए। आप देख रहे होंगे कि उनके उस समय 3 विधायक इस पक्ष में बैठे थे। अभी भी सुने हमने, जैसा आप लोग के माध्यम से सुने हैं कि 3 विधायक और आ गए हैं, तो उनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त के जरिए प्रलोभन देकर आप लोग ला रहे हैं। नहीं, आरोप हम लोग ने तो कभी कुछ नहीं किया। वो तो खुद कहे थे कि खेला होगा, और आपने देखा, सबने देखा, पूरा देश ने देखा कि किस तरह से उन लोग चाह रहे थे कि सरकार को डीएस्टैब्लिश कर दिया जाए। सारी कोशिश वो की है, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम हुई और लोकतंत्र आखिरकार जीत गया। तो हम समझते हैं कि वो जैसा किए वैसा भर रहे हैं। आपके पिताजी भी ने भी इस बात को कहा था कि उधर से प्रलोभन दिए गए थे, मुख्यमंत्री का पद देने की बात हो रही थी। मानते हैं कि उस तरफ से ज़्यादा कुछ प्रलोभन दिए गए थे? अब देखिए, उनकी बात है, उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास तो इस तरह का कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई ऑफर नहीं है। आप लोग इंटैक्ट है? एकदम निश्चित। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया, हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट है और इंटैक्ट ही रहेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि विचारधारा से, बीजेपी के विचारधारा से आरजेडी हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो, वो सभी लोग प्रभावित है, इसीलिए वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए संतोष सुमन, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।